हमारी एनिवर्सरी है आज, बट आज क्या बताऊँ, आज पानी ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, मोटर खराब हो गया है तो और मैसेज भी आया है सोसाइटी का कि आज पानी, आज मोटर खराब है तो अभी टाइम लेगा बनने में। तो आज का दिन तो हमारा कैसा होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। विदाउट वाटर के कैसे हम बातिंग करेंगे आशी? अभी तो मैंने बातिंग भी नहीं की है, आज सुबह से ही प्रॉब्लम हो रही थी, पानी भी गंदा आ रहा था सुबह से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन हो जाए तब नहाती हूँ। तब तक तो मैसेज आ गया कि आज वाटर सप्लाई नहीं है क्योंकि मोटर खराब हो गया है। अब ये पानी जो है ये उसका है, टैप वाटर जो उसमें नल में होगा वो आ रहा है, बचा खुचा वाटर है ये, स्पीड ही नहीं है। देखो अभी ये खत्म हो जाएगा। गया वाटर, पानी नहीं है। आशी अभी कार्ड दे रही है अपने पापा को। थैंक यू। अब पापा इसके तो बस मोबाइल पर लगे पड़े हुए। थैंक यू माय बेबी, थैंक यू सो मच। इट्स अ रियली वेरी यू नो दिस इज द होम बाय मेकिंग, दिस इज अ मेड बाय आशी, सो इट्स वेरी लवली एंड स्वीट सरप्राइज फॉर अस। Because sometimes we feel some these things like, but in modern means modern time we are forgetting these things, but my baby remember it. I am really so happy. Wow, my baby, love you so much. हम बहुत proud feel करते हैं अपने बेबी पे, प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करती है बिना बोले। एक होता है ना, बच्चे को बताना पड़ता है, इसको बताना नहीं पड़ता है, वो खुद से ही सब में आगे रहती है। yes. कार्ड्स बनाने में, सेलिब्रेट करने में, विदाउट एनी एक्नॉलेज टू अस, शी मेड लाइक दिस एंड शी रियली वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी हर सेल्फ इज। और उसमें लिखा भी है 12 में, 12 में इसमें इसमें लिखा है एनिवर्सरी का डेट भी लिखा है 12 में। यू कैन सी एंड आई लव यू सो टाइम, इसने खुद से ही लिखा है। टू फोटोज मी एंड माय वाइफ पेस्टेड ऑन दिस कार्ड, दिस इज द हर इमेजिंग एंड समथिंग माइंड समथिंग माइंड ब्लोइंग है, सी माइंड ब्लोइंग। अंदर क्या है? अंदर भी कुछ है क्या? हां, इनसाइड we can see. Oh, May. Yeah, May. This is the inside card. So, anniversary card. This is the... So nice. I'm so happy. I'm glad. I am so many. Also happy, Asi. I'm also happy. Thank you so much. Thank you, Asi. So, milte hain kuch der mein. Anniversary ka lunch time. Anniversary ka lunch. Anniversary ka lunch time. Idhar baith ke khao. You sit here. देखो जी, पहले ही स्टार्ट कर दिया खाने। लो हैप्पी एनिवर्सरी, लो हैप्पी एनिवर्सरी। अब पेट पूजा स्टार्ट हो गया, चलो कोई नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी माय बेबी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी के साथ। यम यम फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करना है तभी तो होगा, नहीं तो फिर फैन कम कर देंगे। अरे 2 मिनट के लिए बंद करो, फिर उसके बाद ऑन कर दो ना। उसका वो कहाँ है कट करने वाला? सी नाइफ, नाइफ निकाला था ना मैंने, नाइफ वो है ना। चलो ओके, आसी तेरा पास में आओ ना, वो नहीं कुछ है। चलो
उसको क्यों दे रही है? क्यों नहीं, बच्चे भी आए हैं, हमारा एनिवर्सरी है और आशी भी आएगी क्या? रुको अभी रुको, अपने ही बुझा दूंगा। चलो 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 आ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। फिर से Happy anniversary. चलो Happy anniversary. Wow. रुको रुको, पहले पापा को खिला दूँ। Celebrate together. Wow. कैसा केक है? यम्मी? और दूं? खाने आशी ने मुझे गिफ्ट दिया, ये आशी ने गिफ्ट बनाया है। चल अभी ये आशी ने मुझे गिफ्ट दिया, ये इसमें लिखा है आई लव यू सो टाइम 12 में, थैंक यू सो मच। इसमें आशी ने मम्मा और पापा का पिक भी लगाया है। कहाँ से मिला आपको ये पिक? पापा के पास से था। पापा के पास से लिया। वाओ सोम ब्यूटीफुल। संजू टिश्यू पेपर देना तो। और ये क्या है? आई लव यू माई डैड एंड मॉम, ये आशी ने लिखा है आई लव यू माई डैड एंड मॉम। देखो ये थैंक यू बेबी, थैंक यू। टिश्यू पेपर, टिश्यू, थैंक यू। आशी फ्लावर्स खा रहे हो क्या आप? ये लो टिश्यू पेपर। अभी हम कहाँ चलेंगे? डोसा खाना है आपको? अभी हम डिनर पे जाएंगे। ये आशी चाहिए, ये आप खाओ लेके। ये आशी ने कलर किया, आप खाओ इसको। ये बर्ड को कलर किया है, इसमें से दो निकाल के, और ये रुको निकाल दे। ये आशी ने कार्ड दिया, 12 में लिखा आई लव यू सो टाइम लिखा, ये उसने अपने से लिख के रखी हुई थी। अब यहाँ पे ये छोटा सा इसने बनाया है, इसको लो। आई लव यू माई डैड एंड मॉम। आशी सो ब्यूटीफुल। और भी कुछ बनाया है क्या? स्कॉच खत्म हो गया। ओके और ये बनाया है, ये पहले ही बनाया था, बहुत पहले बनाया था ना, 4-5 days पहले बनाया था। हैप्पी माई फादर मदर, हैप्पी फादर, हैप्पी माई फादर एंड मदर। ओके ये ऐसे लिखी है ना कि समझ में नहीं आ रहा। हैप्पी यहाँ है माई फादर माई मदर, माई फादर एंड मदर। ओके हैप्पी माई फादर्स मदर 12 में। और इसने केक भी बनाया है, ये 3 हार्ट बनाया है, एक आशी का हार्ट है, एक मम्मा का हार्ट है, एक पापा का हार्ट है। और ये केक बनाया है, मेरे को मम्मा का है और बाबा को भूख का है। ओके okay. ओके रेड हार्ट जो है ये पापा का है, नहीं वो मम्मा का। ओके रेड हार्ट मम्मा का है, ब्लू हार्ट पापा का है, और ये छोटा वाला ब्लू हार्ट आशी का है। ओके रानू ले लो। ओ गर्मी हो रही है, पर फैन कम करवा लिया। आशी आशी बस क्रीम खाती है। केक काटने के बाद हम आए हैं अभी डोसा खाने के लिए, क्योंकि आशी को डोसा खाना है।
अभी फूड कोर्ट में आए हुए हैं, देखते हैं यहाँ है कि नहीं गए। कई जगह देखे लेकिन इस टाइम डोसा मिल नहीं रहा। अभी लॉन्ग ड्राइव किया हमने और बहुत ही भूख लगी हुई है। तो आशी हैप्पी हो गई क्योंकि डोसा इसको मिल गया फाइनली। 5-6 रेस्टोरेंट में हम गए, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। इधर हम पहली बार आ रहे हैं फूड कोर्ट में। सी फूड भी है, चिकन है, बहुत से सॉक्स हैं उनके साइड। एक मिनट सेल्फ सर्विस। तो हमारा रेडी है दूसरी आशी पापा गए हैं लेने के लिए। आ जाओ आशी जी, यहाँ बैठोगे? नहीं, मम्मा खाने खिला दोगे अच्छे से? आ जाओ बैठोगे अच्छे से। ये बातों से हमारा गुस्सा आ गया। आशी ने स्टार्ट भी कर लिया। हमें कैसा है? गुड। मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसा है यहाँ का गुस्सा। मैं उधर बैठू बैठू वाटर ऊपर से गिर रहा है। इसको ऐसे ही रखो, नहीं गिर रहा है। अच्छा अभी देखो, मैं उधर से नहीं चाहिए तुम लोग को। क्या कर रही हूँ? ये क्या हो रहा है? नहीं कर रहा तुम सीखा लग रहा है। अब खाओ रहे थे। Why you are doing this? कौन सा आइसक्रीम लिया? आ गई आइसक्रीम? मुझे वो चाहिए, वो खाने। मुझे अभी खा दिए क्या? घर हाँ। पे खाना। चलो चलो खाते हुए चलो फेंक दो। अभी घर आ गए हम लोग। आशी सो भी गई है, ये देखो आशी सो गई। उसको नींद आ रही थी और उसका टाइम भी हो गया था सोने का। उसका डिनर हो गया, आइसक्रीम उसने खा लिया, फिर उसको कपड़े में चिंग हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत गर्मी है, इस वजह से सही में कपड़े बहुत ही चिंग कर रहा है। मैं भी नए कपड़े पहनी थी, लगा कब निकाल दूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। उधर भी इस तो बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और अभी फिर से गर्मी वैसी स्टार्ट हो गई है। और मई जून में, मई में तो रहती है, जून में बारिश स्टार्ट हो जाता है जून से यहाँ महाराष्ट्र में, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फुल पे पंखा चला रहा है, फिर भी लग रहा है कि गर्मी हो ही रही है। अभी तो हमारे यहाँ एसी नहीं है, और एसी मेरे को वैसे भी सूट नहीं करता एसी, क्योंकि मुझे यहाँ सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है एसी में ज़्यादा रहती हूँ, तो इसलिए मुझे फ़ैन ही सही लगता है। तो अभी देखते हैं एसी जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे, नहीं तो अभी तो चल ही रहा है वैसे ही। अब वैसे भी 1 जून से बारिशें स्टार्ट हो जाएगी तो ज़रूरत होती नहीं है। और सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया ही था आपको कि मोटर खराब हो गया था मेरा। यहाँ सोसाइटी का जो पानी का मोटर होता है वो ख़राब हो गया,
हमें पता भी नहीं था, किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, सोसाइटी मेंबर्स ने, सोसाइटी के लोगों ने भी इन्फॉर्म नहीं किया था. एक्चुअली मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया और फिर मैं सोची लंच का प्रिपरेशन कर लूँ. एक्चुअली मैंने सोचा था कि पूरी सब्जी खीर बनाऊंगी, बट पानी ही चला गया. फिर पानी चला गया, वो बोले वहाँ से आया इन्फॉर्मेशन कि 2 बजे या 2:30 बजे दोपहर में आएगा पानी. तो अब ये हुआ कि अब कैसे होगा, खाना बनना तो ज़रूरी है क्योंकि अब हम तो लेट कर सकते हैं लेकिन बच्चे को तो लेट नहीं करवा सकते हैं. तो फिर इसके पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पिज्जा मंगवा देते हैं, और आसी का वैसे ही फेवरेट पिज्जा है. तो उन्होंने पिज्जा मंगवा दिया दोपहर में, तो हमने लंच कर लिया. तो आज पूरा दिन हमारा बाहर ही का एक तरह से हो गया क्योंकि बस ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया था और बाकी तो जो लंच हुआ, डिनर हुआ, सब कुछ बाहर हुआ. तो बस हो गया, थैंक गॉड पानी भी आ गया. 2:30 बजे के आसपास पानी आया है लेकिन बहुत गंदा आ रहा था, तो वो पूरा जाके क्लीन हुआ है. पूरा पानी में जो मिट्टी आ रही थी तो वो जो साफ वाटर आया है 4:30 बजे करीब है, तो पूरा वो एक्चुअली फ्लो करते हैं ना पानी, तो वो बैठने में टाइम लेता है टंकी में. तो इस वजह से जब भी टैप खोल रहा था तो बहुत गंदा पानी आ रहा था. तो फिर मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि जो बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, फिर मैंने उसे 4:30 बजे क्लीन किया क्योंकि पानी तब क्लीन हुआ था. उससे पहले जो 2:30 बजे 3 बजे पानी आ रहा था तो बहुत ज़्यादा डर्टी आ रहा था, बहुत उसमें मिट्टी आ रही थी, इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया था. तो बस हो गया अब सारा. तो आसिम ने बोला कि खाना ख़त्म हो गया उसका डिनर, तो आते आते बोली अब तो एनिवर्सरी ख़त्म हो गई मम्मा पापा की, मैरिज एनिवर्सरी ख़त्म. तो मैंने बोला हाँ बेटा अब सो जाओ, तो सो गई है. अब मेरे को थोड़ा काम है, अभी 9:45 हो रहा है नाइट का, तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग करनी है तो उसे एडिटिंग करती हूँ. चलो मिलते. और हाँ मैंने बताना भूल गई मैं कि मुझे जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपने दिखाऊंगी. तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.